वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आई होप डेट कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियोज़ में आपको मैं नन हिंदी के, है ना, जो 25 सितंबर का एग्ज़ाम होने वाला है नन हिंदी, आंसर की बता रहा हूँ। 100% करेक्ट आंसर की है आपका 25 सितंबर वाला क्वेश्चन पेपर है, संभावित क्वेश्चन पेपर है। ऐसे ही प्रश्न का आपका प्रारूप रहने वाला है, संभावित प्रश्न, जो कि आपका 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 30 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपके क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। सब लोग लाइक कर दीजिए फटाफट, आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। लाइक रुकना नहीं चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लाइक एवरी वन। नंबर वन क्वेश्चन देखिए आपका है, ईर्ष्या का काम क्या है, है ना। आपका क्वेश्चन शक्ति देना, सुख देना, ईर्ष्यालु को जलाना, जीवन दान देना। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर ग हो जाएगा, ईर्ष्या का काम ईर्ष्यालु को जलाना है। दूसरा है गदगद होना का अर्थ है खुश होना, परेशान होना, भाग जाना या छिप जाना। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट दो में हो जाएगा क, खुश होना, ठीक है, दो का क हो जाएगा खुश होना। तीसरा नंबर आपका सवाल है, ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है, मानसिक अनुशासन, मानसिक असंतुलन, मानसिक विकृति या मानसिक तनाव। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल तीन में राइट आंसर का हो जाएगा, मानसिक अनुशासन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चार नंबर, बच्चे की दुआ के कवि कौन है, इकबाल, दिनकर, नेपाली या कबीर। तो यहाँ पे आपका सटीक आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही का होगा इकबाल, ठीक है। पांच नंबर आपका सवाल है कि निबंध विक्रमशिला किसकी रचना है, पापू वीसा, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरोत्तम दास या अरुण कमल। तो यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 5 में आपका सही जवाब पापू पीसा हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर देखिए आपका ग्रामर वाला पार्ट है कि विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, विद प्लस आर्थी, विद्या प्लस रथी, विद्या प्लस अर्थी या वी प्लस दार्थी। तो यहाँ पे आपका 6 में सही जवाब ग हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, ठीक है। 7 नंबर सवाल आपका है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों, दादी की उंगलियां तवे पे जल जाती है, मिट्टी के खिलौना टूट जाते हैं, हामिद के पास बहुत कम पैसे थे या मिठाई से हामिद को नफरत थी। तो यहाँ पे आपका देखिए क ऑप्शन सही हो जाएगा, दादी की उंगलियां जो हैं तवे पे जल जाती थी, ठीक है, तो 7 में क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद, यहाँ स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, सौ प्लस आगत, सवा प्लस गत, सु प्लस आगत, सौ प्लस आगत। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही 8 नंबर में जवाब ग हो जाएगा, सु प्लस आगत स्वागत, ठीक है। 9 नंबर आपका सवाल है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भारत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 9 नंबर में आपका ऑप्शन है स्वार्थ, त्याग, प्रेम या नफरत। तो बिल्कुल यहाँ आप त्याग के साथ जाइए, ख सही हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर आपका सवाल है, कहानी खेमा किसकी रचना है, पापू विसा, अरुण कमल, रामधारी सिंह दिनकर या फणीश्वर नाथ नेनू। तो यहाँ आपका 10 नंबर में बिल्कुल सटीक आंसर का होगा पापू विसा, ठीक है। 11 नंबर सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल की शिक्षा का केंद्र था, है ना। ऑप्शन है प्राचीनकालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन या गुप्तकालीन। तो यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका 11 में सटीक आंसर ख हो जाएगा बौद्धकालीन, ठीक है। 12 नंबर सवाल है कि ईर्ष्या का संबंध किसके साथ होता है, असमानता, प्रतिद्वंद्वता, संबंधियों या मित्रों से। तो यहाँ पे 12 में आपका सही और सटीक आंसर क्या होगा, प्रतिद्वंद्वों से, ठीक है। 13 नंबर आपका सवाल है कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, आधुनिक भागलपुर के कहलगांव में, नालंदा के राजगीर में, वैशाली में या झारखंड के रांची में। तो यहाँ 13 में आपका सही जवाब क्या होगा, आधुनिक भागलपुर के कहलगांव में, ठीक है। 14 नंबर सवाल है, मुमकिन का अर्थ होता है संभव, असंभव, शब्द या शामिल। तो यहाँ आपका 14 में क्या होगा, मुमकिन यानी कि संभव, ठीक है। और 15 है कि निबंध दीन बंधु निराला किसकी रचना है, बिहारी की, आचार्य शिव पूजन सहाय, अरुण कमल या बेढप बनारसी। तो 15 में आपका बिल्कुल सही जवाब ख होगा, आचार्य शिव पूजन सहाय। 16 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है, स, ह, अ या ज, अघोष वर्ण बताना है। तो यहाँ पे 16 में सही जवाब आपका हो जाएगा ग, और जो है अघोष वर्ण है, ठीक है। 17 खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहाने बनाना, इज्जत करना, खुश होना या दर दर भटकना। तो यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स खाक छानना का मतलब होता है दर दर भटकना, ग हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है कि हुंडरू का जलप्रपात की ऊँचाई कितनी है, 180 फुट, 800 फुट, 243 फुट या 90 फुट। तो देखिए हुंडरू का जो जलप्रपात है
यानी झरना है वो 243 फुट है, 18 का ग हो जाएगा, ठीक है। 19 आपका सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस के आक्रमण से सर्वनाश हो गया, चीनी आक्रमण, आर्य आक्रमण, तुर्कों के आक्रमण या सिकंदर के आक्रमण। तो यहाँ आपका 19 में सही और सटीक आंसर ग होगा, तुर्कों के आक्रमण से, ठीक है। 20 नंबर आपका सवाल है कि दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या था, पहला ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है, रविशंकर, अरुण कमल या राजकुमार। हाँ तो दीनबंधु निराला का पूरा नाम तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी सही होगा। 21 नंबर है कि मोहन कलम से लिखता है, इसमें से कौन कारक है, कर्ता, कर्म, अपादान या करण कारक। ये 21 में आपका सही जवाब जो है घ हो जाएगा, करण कारक, ठीक है। 22 है, निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है, तो इसमें देखिए आपका सही और सटीक आंसर जो होगा 22 में आपका बिल्कुल सही राइट आंसर 22 का ना ग होगा, वह दीन दुखियों की सेवा सहायता करते थे, इसीलिए है ना 22 का ग होगा। 23 है आपका सवाल कि परमात्मा ने निराला को सबसे पहले किसकी सेवा के लिए नियुक्त किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आपका है श्री कृष्ण, श्री रामकृष्ण मिशन, अनाथालय, वृद्धाश्रम या नारी निकेतन। तो यह 23 में आपका सही जवाब जो है का होगा श्री रामकृष्ण मिशन। 24 है, दीर्घायु का विलोम उल्टा बताना है, अल्पायु, समायु, अति आयु या अवगुण। तो दीर्घायु का विलोम अल्पायु होगा, 24 का क्या होगा। 25 है, प्रस्तुत व्यंग चिकित्सा का चक्कर किसकी रचना है, नरोत्तम दास, बेडप बनारसी, अरुण कमल या आचार्य शिव पूजन सहाय। तो देखिए चिकित्सा का जो चक्कर है ये जो है ना, इसमें आपका सटीक आंसर 25 में ख होगा बेढ़ बनारसी, ठीक है। 26 नंबर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका है कि सुपुत्र शब्द में सु क्या है, उपसर्ग है कि प्रत्यय है कि अव्यय या सर्वनाम है। तो उपसर्ग आप लोग पढ़े हैं कि शुरू में लगता है, कहाँ लगता है, शुरू में लगता है, तो सु जो है शुरू में है इसलिए क हो जाएगा उपसर्ग। 27 है, श्रेष्ठतम शब्द में तम क्या है, संज्ञा, प्रत्यय, अव्यय या उपसर्ग। आप लोग पढ़े हैं ना कि प्रत्यय जो होता है अंत में लगता है और तम जो है अंत में है, इसलिए ख हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर आपका है कि महंगा का विलोम क्या है, सस्ता, अच्छा, खराब या सही। तो कोई भी चीज़ महंगा है तो उसका विलोम सस्ता हो जाएगा, ठीक है। 29 है कि निराला विक्रम विवेकानंद सोसाइटी के कार्यक्रमों में किस समाज के लोगों को भोज पदार्थ वितरित कर देते हैं, तो यहाँ है हिंदी समाज, दरिद्र नारायण, आर्य समाज या ब्राह्मण समाज। तो विवेकानंद वाला जो है इसमें 29 में आपका सही जवाब ख होगा, दरिद्र नारायण या बंगी भद्र समाज को, ठीक है। और 30 नंबर आपका सवाल है कि निराला कैसी जीवन यापन करते थे, विलासतापूर्ण जीवन है ना, मस्त मौला फकीर, मध्यम वर्ग या कंगालों जैसी। तो यहाँ 30 में आपका सही जवाब ख होगा, मस्त मौला फकीर, ठीक है। तो आपके हिंदी के ये संभावित क्वेश्चन पेपर थे, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक ना किया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर कर दे दोस्तों और साथियों में भी, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन पेपर वीडियो और शानदार 10th बोर्ड की तैयारी आपको 24 बोर्ड की कराई जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ योर लक, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।